नमस्कार। आप देख रहे हैं आदित्य न्यूज। बड़ी खबर मिल रही है उज्जैन जिले के तराना से, जहां पर प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी को लेकर किसान संघ ने सौंपा ज्ञापन। जी हम बात कर रहे हैं तराना की, जहां पर किसान संघ ने प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी एवं किसानों की समस्याओं को लेकर राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन। किसान संघ ने मांग की है कि सभी किसानों के 2 लाख रुपये का कर्जा माफ किया जाए, भावांतर राशि अतिशीघ्र प्रदान की जाए, क्षेत्र में हुई अधिक बारिश के चलते जो फसलें खराब हुई उनका सर्वे कर अति शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जाए आदि किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की है कि हमारी समस्या एवं मांग 7 दिवस के अंदर पूरी की जाए, अन्यथा मुख्यमंत्री का घेराव व धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। किसान संघ ने भगवान बलराम की झांकी बनाते हुए नगर में रैली निकालकर SDM को सौंपा ज्ञापन। समस्या के निराकरण हेतु ज्ञापन प्रस्तुत है। आशा करते हैं कि हमारी किसानों की समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रत्येक किसानों का 2 लाख रुपया सभी बैंकों का कर्ज माफ किया जाए एवं ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र भी दिया जाए। गेहूं, सोयाबीन, मक्का, सरसों हेतु प्रोत्साहन राशि तुरंत किसानों के खातों में समायोजित की जाए। पिछले वर्षों की बीमा राशि शीतलहर पाला पड़ने से फसल प्रभावित हुई थी, उसकी बीमा राशि तुरंत दी जाए। प्रदेश सरकार ने अपने वचन पत्र में कहा था दूध पर प्रति लीटर 5 रुपये बोनस दिया जाएगा। वर्तमान में दूध का रेट उत्पादकों से 25 से 30 रुपये प्रति लीटर लिया जाता है, जबकि खली का रेट 2700 रुपये प्रति किलो बोरी मिल रहा है। 60 किलो ये 60-70 दो में दो। तराना क्षेत्र में आज तक 73 इंच बरसात हो चुकी है, जो विगत 40 वर्ष का रिकॉर्ड है। अतः अति वर्षा के कारण सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट सड़ गई है। क्या कहेंगे सर, आज ज्ञापन दिया है आपने किसान संघ की तरफ से? किसानों की कई समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान संघ ने SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है जी। और किसानों के लिए SDM साहब से मांग की गई है कि किसानों की जो भी फसल बर्बाद हुई है उस फसल का अच्छा हुआ तूने हमें तोड़ कर जी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नाम से जो पूरे प्रदेश में एक साथ ज्ञापन दिया गया है जी। और आगामी कुछ समस्याओं को लेके और वर्तमान की समस्याओं को लेके जो समस्याएं थी उनको लेके ज्ञापन दिया गया है। इस पर विचार सरकार करती है तो ठीक है, नहीं 7 दिवस के अंदर अनिश्चितकालीन धरना भोपाल के आगे आगामी जो भी होगा वो निर्णय लिया जाए। धन्यवाद।